हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एक्टिव एक्टिव मास मास हम आज के के टॉपिक में बारे में पढ़ेंगे अब देखिए स्टूडेंट एक्टिव मास होता क्या है तो एक्टिव मास इज द ओल्ड रिप्रेजेंटेशन एक्टिव मास इज द ओल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेंट्रेशन मतलब जो कंसेंट्रेशन आज हम कंसेंट्रेशन बोलते हैं उसको पहले के टाइम पर पुराने जमाने में ओल्ड रिप्रेजेंटेशन उसको एक्टिव मास के फॉर्म में बोलते थे तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट स्क्वायर ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास का रिप्रेजेंटेशन है सो so, इसके अंदर लिख लीजिए इट ओल्ड रिप्रेजेंटेशन इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन इट इज द ओल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का पुराना तरीका ही एक्टिव मास है तो कंसेंट्रेशन क्या होता है इट इज मोल पर लीटर तो एक्टिव मास भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसके अंदर लिख लीजिएगा एक्टिव मास मीन द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्टिव मास मीन्स द कंसंट्रेशन

मोल पर लीटर और द प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैस और द प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज इन द रिएक्शन इसको यहां पे साथ में ये भी लिख सकते हो और द प्रेशर ऑफ और द प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस और प्रेशर ऑफ द तो जाएगा हमारे पास एक्टिव मास तो student, active mass ही क्या होता है active mass ही होता है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो मोल वॉल्यूम तो देखो स्टूडेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल्स की जगह मैं लिख सकता हूँ वेट ओवर मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम अब देखो स्टूडेंट्स वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम क्या बन जाता है डेंसिटी डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम तो एक्टिव मास को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो साथ में एक्टिव मास इज डी ओवर डेंसिटी ओवर इट्स मॉलिकुलर वेट एक्टिव मास इज डेंसिटी ओवर इट्स मॉलिकुलर वेट अब देखो स्टूडेंट बात समझना कि सॉलिड्स और लिक्विड वो क्या होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है फिक्स्ड होती है जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं जो वाटर की डेंसिटी होती है वन ग्राम पर एम तो वो बात फिक्स्ड है या आप बात करो आयरन की तो आयरन की जो भी डेंसिटी है वो फिक्स्ड है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑलवेज फिक्स क्लियर बात की नहीं है और साथ में उनका मोलिकुलर वेट भी फिक्सड होता है तो आप खुद सोचो स्टूडेंट उनकी अगर डेंसिटी भी सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी भी फिक्सड है मॉलिकुलर वेट भी फिक्सड है तो उनकी जो कंसेंट्रेशन या एक्टिव मास आएगा वो भी तो क्या होगा कॉन्स्टेंट ही होगा भाई ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट तो आंसर भी तो कॉन्स्टेंट आएगा और आई उसको क्या बोलती है डेंसिटी सॉरी एक्टिव मास और सॉलिड एंड लिक्विड आई बोलती है उनको कॉन्स्टेंट मानो और कितना मानो वन मान के चलें कितने मान के चलेंगे वन मान के चलते हैं ठीक है सो स्टूडेंट यहां पे लिख लीजिएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर ऑलवेज कांस्टेंट आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड देयर मोलिकुलर वेट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट द मोलिकुलर वेट इज ऑल्सो कॉन्सटेंट उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट होता है एंड सो द कंसेंट्रेशन सो कंसेंट्रेशन एक्टिव मास बोल दो एक्टिव मास वेल

ठीक है तो आप जब भी हम बात करेंगे एक्टिव मास किसी भी सॉलिड का या लिक्विड का तो आप क्या मान के चलेंगे वन मान के चलेंगे एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका जब भी एक्टिव मास की ऐसे बात करेंगे तो एक्टिव मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक्टिव मास क्या बोलोगे वन बोलोगे ऐसे ही स्टूडेंट्स हम बात करें वाटर की तो वाटर क्या है लिक्विड है और लिक्विड का एक्टिव मास भी हम क्या मान के, चलते हैं भी? मान के चलते हैं तो इसको भी आप क्या मान के चलोगे मान के चलोगे अब स्टूडेंट मैं इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मास एक्टिव मास के कुछ रिप्रेजेंटेशन देखो देखो स्टूडेंट एक्टिव मास का सबसे पहला तो मोल मोल बाय बाय वॉल्यूम वॉल्यूम क्या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एक इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको आप मोल बाय वॉल्यूम क्या होती है भाई मोलारिटी तो इसको आप मोलारिटी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये कुछ बहुत कॉमन रिप्रेजेंटेशंस हैं किसके एक्टिव मास के तो आप इसको कॉपी कीजिए तो चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डेट इज पार्शियल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कोई भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर ही हमारे को पार्शियल प्रेशर कहलाता है अब देखो समझो इस चीज को कि कोई भी एक पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर या कोई भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर ही क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अब देखो स्टूडेंट मेरे पास मानो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं तीन गैसेज हैं कितनी गैसेज हैं तीन गैसें हैं हमारे पास एक कंटेनर के अंदर हमारे पास तीन गैस है एक गैस ए है एक गैस बी है और एक गैस सी है गैस ए गैस बी एंड गैस सी और तीनों कैसी हैं नॉन रिएक्टिंग है ये तीनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है तो स्टूडेंट्स अब देखो जो इस पूरे कंटेनर में जो भी प्रेशर आ रहा होगा वो ए की वजह से भी होगा बी की वजह से भी होगा और सी की वजह से भी होगा तो जो टोटल प्रेशर होगा स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर विल बी पी टी विल बी पी टी डेट इज टोटल प्रेशर वो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर क्लियर बात की नहीं अब ये स्टूडेंट्स टोटल प्रेशर ए की वजह से भी है उसको बोलेंगे पी ए प्रेशर ऑफ पार्स ये क्या हो गया देखो अब चीज को समझो ये पूरे कंटेनर का जो ए की वजह से इंडिविजुअल गैस की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वही क्या कहलाता है पार्शियल प्रेशर तो इस पूरे कंटेनर में जो ए की वजह से प्रेशर आ रहा है वो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया पी ए से अब ऐसे ही स्टूडेंट ये पार्शियल mm -hmm. प्रेशर ऑफ इसका ये क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया पी वी से और यही क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे pc से यहां पर मैं लिख देता हूं इसको रिप्रेजेंट कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ c अब देखो स्टूडेंट जो टोटल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा pa plus pb plus pc जो भी टोटल प्रेशर इस पूरे कंटेनर का आ रहा है वो a की वजह से भी आ रहा है b के पार्शियल प्रेशर की वजह से भी आ रहा है और c के पार्शियल प्रेशर की वजह से भी आ रहा है तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि a की वजह से कितना आ रहा है तो देखो स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये कितना हो जाएगा अपन को पता है भाई स्टूडेंट्स पीवी किसके बराबर होती है एनआरटी में यहां पे लिख रहा हूं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास एन आर टी वी आप जानते हैं प्रेशर क्या हो जाएगा एन आर टी बाय तो पार्शियल प्रेशर ए की वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी पी ए किसके बराबर हो जाएगा एन ए आर टी डिवाइडेड बाय वी क्लियर है बात की नहीं है ऐसे ही स्टूडेंट जो पीबी होगा हमारे पास पीबी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ बी मोल्स ऑफ बी इन टू आर टी डिवाइडेड बाय वी और ऐसे ही जो स्टूडेंट पीसी होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी वो क्या हो जाएगा एन मोल्स ऑफ सी इन टू क्या हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाय वी अब देखो स्टूडेंट आपको जानते हो भाई टोटल प्रेशर जो है वो किसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑफ प्लस पार्शियल की वजह से आ रहा है दैट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी की वजह से आ रहा है तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स देखो भाई पार्शियल प्रेशर टोटल या टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी ये क्या हो जाएगा एन बी आर टी बाई वी प्लस अगला एन सी आर टी बाई वी क्लियर बात की नहीं है तो टोटल प्रेशर हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इन टू मैंने ये इसको कॉमन निकाल लिया अपॉन वी या इसको आप बोल सकते हो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या हो जाएगा एन टोटल क्या हो जाएगा एन टोटल दिया मैं इसको बोल देता हूं एन टी एन टोटल आर टी वेयर एन टी टोटल मोल्स क्या हो गए टोटल मोल्स एन ए हो जाएंगे हमारे पास मोल्स ऑफ ए एन बी हो जाएंगे हमारे पास मोल्स ऑफ बी लिख लीजिए यहां पर यह हो जाएंगे मोल ऑफ एन बी हो जाएगा मोल्स ऑफ बी एंड एन सी हो जाएगा मोल्स ऑफ सी ठीक है तो एन ए एन बी एनसी और ये हो गया हमारे पास अगला पॉइंट क्या एन टी तो हमारे पास क्या हो गया टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास एन टी आर टी वी ये किसके बराबर आ गया एन टी आर टी वी अब देखो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को किससे डिवाइड मार रहा हूं मैं टोटल प्रेशर से डिवाइड मार रहा हूं भाई या तो इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दीजिए ये हो गई हमारे पास इक्वेशन वन इसको आप इक्वेशन टू नाम दे दीजिए और इसको आप इक्वेशन थ्री एंड दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर फोर तो मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन वन को इक्वेशन वन को डिवाइड मार रहा हूं फोर से इक्वेशन वन इज डिवाइडेड बाय फोर इसका क्या मतलब हो गया भाई पी ए बाय पी टी पी ए बाय पीटी कर रहे हैं तो भाई पीए क्या होता है देखो एन एन बाय वी डिवाइडेड बाय वी हो जाएगा अब देखो स्टूडेंट ये कंफ्यूज मत होना कि भाई वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ए की होगी भाई ए की वॉल्यूम क्या इसके अंदर बात करेंगे जो भी वॉल्यूम होगी यहां पर आपको पता थोड़ी स्टूडेंट्स की ए कितना है बी कितना बी का कितना एरिया घेर रहा है या कितनी वॉल्यूम घेर रहा है ये तो सारी की सारी एक साथ पड़ी हुई है ये सारी की सारी ये कंटेनर में एक साथ पड़ी हुई है तो जो वॉल्यूम लोगे आप वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लोगे क्लियर है है बात की नहीं है। तो ये भी टोटल वॉल्यूम है और ये भी टोटल वॉल्यूम है तो देखो स्टूडेंट्स ये से ये कैंसिल आउट हो गया आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा भाई हमारे पास रिलेशन बना भाई पी ए बाय पी टी हो गया एन ए बाई एन टी के बराबर किसके बराबर

पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी टी क्या मिल गया पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी टी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा एक्स ए इन पी टी के बराबर हो जाएगा ऐसे ही अगर स्टूडेंट में इक्वेशन टू को इक्वेशन फोर से डिवाइड मारता हूँ इक्वेशन नंबर टू को फोर से डिवाइड मारें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी बी बाय पी टी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एन ए बाई एन बी बाय एन टी लिख रहा हूँ उसको मैं एन बी वाय एन टी हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी तो हमारे पास पी बी आ गया एक्स बी पी टी क्या हो जाएगा एक्स बी पी टी तो पार्शल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर अब अगला स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो अगला आता है वो देखो क्या हो गया भाई इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से डिवाइड मार दें इक्वेशन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पीसी बाय पी टी हो जाएगा हमारे पास एनसी बाय एन टी और एनसी बाय एन टी आगे जाके बन जाएंगे मोल फ्रैक्शन किसका सी का तो ये हो जाएगा पी सी बाय पी टी पी सी बाय पी टी किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सी के बराबर या PC क्या हो जाएगा एक्सी इंटू पीटी क्या हो जाएगा एक्सी इंटू पीटी तो हमारे को पता लग गया भाई partial pressure of A क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन प्रेशर अच्छा ये जो चीज है स्टूडेंट इसको आप एक बहुत बेसिक से कॉमन सेंस कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप जानते भाई

बोल सकते फोर्टी फाइव हंड्रेड दैट इज पॉइंट फोर तो या एक्स से क्या वैल्यू हो जाएगा पॉइंट फोर बोल दिया आपने वो हो गया हमारे पास फोर्टी परसेंट क्लियर बात की नहीं है अब समझना स्टूडेंट मानो इमेजिन करो कि टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर है हंड्रेड एटीएम का कितने एटीएम का हंड्रेड एटीएम का मैं बोल रहा हूं इस कंटेनर में पचास परसेंट तो ए है कितने परसेंट फिफ्टी परसेंट ए है थर्टी परसेंट बी है ट्वेंटी परसेंट सी है

हंड्रेड इंटू फोर्टी फिफ्टी परसेंट था मतलब हंड्रेड इंटू पॉइंट फाइव करा हंड्रेड इंटू पॉइंट टू करा और हंड्रेड इंटू पॉइंट थ्री करा तो यही तो बेसिक था तो वो परसेंटेज ही क्या है मोल फ्रैक्शन तो देखो

डाल्ट लॉ ये इक्वेशन थी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आती कहां से आती है डाल्ट लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लियर बात तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आती है डाल्टन साहब ने ये बताया था कि भाई टोटल प्रेशर जो होएगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होएगा क्या टोटल प्रेशर होएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होएगा तो टोटल प्रेशर पी ए प्लस प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी वो होगा क्लियर है बात तो इसको, इसको लिख लीजिए तो चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन है टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर मोल्स ऑफ मीथेन आर क्लोज इन द कंटेनर एट अ टोटल प्रेशर ऑफ फोर ए टी एम कि हमारे पास टोटल प्रेशर फोर एटीएम तो डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट तो बहुत ईजी है स्टूडेंट भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन किसका हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को मैं बी बोल रहा हूँ हाइड्रोजन को मैं बी बोल रहा हूं और या आप ऐसा करिए डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक्स ऑफ एच टू लिख लो तो ये क्या हो जाएगा एन ऑफ एच टू डिवाइडेड बाय एन ऑफ एच टू प्लस एन ऑफ कौन सा है मीथेन सी एच फोर तो मोल्स ऑफ एच टू कितने हैं हमारे पास टू डिवाइडेड बाय टू प्लस ये कितना हो गया फोर तो हो जाएगा टू बाय सिक्स दैट इज़ वन बाय थ्री मोल्स किसके मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा वन बाय थ्री तो हमारे को डायरेक्टली पता लग जाएगा भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन होता है हो जाएगा वन माइनस वन बाय थ्री क्योंकि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं यूनिटी होता है हो तो ये हो जाएगा हमारे पास टू बाय थ्री का अब स्टूडेंट मेरे से क्या बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट तो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर दैट इज पीटी इनटू टोटल प्रेशर पीटी और टोटल प्रेशर आपको दे रखा है चार ए टी एम तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन इसका आया वन बाय थ्री टोटल प्रेशर कितना है फोर तो इसका आ जाएगा भाई पार्शियल प्रेशर फोर बाय थ्री ए टी एम ऐसे ही स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ़ किसका मीथेन मिथेन का ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्चर ऑफ मिथेन इनटू टोटल प्रेशर तो ये आ जाएगी हमारे पास टू बाय थ्री इन टोटल प्रेशर कितना आया भाई फोर एटीएम तो हो जाएगा हमारे पास एट बाय थ्री एटीएम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन क्लियर है तो बहुत इजीली हम किसी का भी पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट अ गैशियस मिक्सचर कंटेन्स मीथेन एंड प्रोपेन दैट इज सी एच फोर एंड सी थ्री एच एड इफ टोटल प्रेशर इज फाइव ए टी एम देन डिटरमाइन दार्सल प्रेशर ऑफ सी थ्री एच एड प्रोपेन अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन दे रखा है मीथेन का तो सबसे पहली बात तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन मिथेन का दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेन क्या हो जाएगा वन माइनस पॉइंट फोर कितना पॉइंट सिक्स अब आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है और पार्शियल प्रेशर आसानी से निकल जाएगा तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा पी ऑफ सी थ्री एच एट बीवल एच एट इंटू टोटल प्रेशर कितना फाइव या इंटू पी टी आप लिख लीजिए यहाँ पे पहले पी टी ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट सिक्स

कि मोल बाय वॉल्यूम करने लग जाएं क्यों क्योंकि सी एस थ्री क्या है सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है वन होता है सो सी एस का एक्टिव मास क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा One. क्यों बिकॉज सॉलिड और सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है वन होता है तो ऐसी बेवकूफी ना करना कि मोल बाय वॉल्यूम से इसकी कंसंट्रेशन निकालने बैठ जाएं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन ग्राम ऑफ एंडू इज प्रेजेंट इन टेन लीटर वेसल देन डिटरमाइन इट्स एक्टिव मास तो ठीक है इसके लिए तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल कंसेंट्रेशन तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा इन टू का ये हो जाएगा भाई मोल बाय वॉल्यूम ये हो जाएगा हमारे पास मोल क्या हो जाएगा वेट बाय मोलिकुलर वेट वेट कितना हो गया इसका सात ग्राम और मोलिकुलर वेट इन टू का कितना होता है ट्वेंटी एट ग्राम इन टेन लीटर तो ये आपको ऑलरेडी टेन लीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये कटने के बाद वन बाय फोर टेन That is तो इसका एक्टिव फोर्टीन लेवेंटी एट लें क्यों क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारे को किस फॉर्म में मिलती है एन टू के रूप में मिलती है एन के रूप में नहीं मिलती है तो वहां पर तो भी ट्वेंटी एट ही लिया जाएगा क्यों क्योंकि मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज ट्वेंटी एट क्या होता है मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का ट्वेंटी बात ठीक है तो यहां पे लिख लीजिएगा यहां पर साइड में कि भाई मोल्स हो जाएगा वेट ओवर मोलिकुलर वेट ठीक है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स टेन ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन फोर हंड्रेड एम एल ऑफ एक्व सल्यूशन एक्व सोल्यूशन तो मुझे निकालना है क्या एक्टिव मास अब देखो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ये लिक्विड नहीं है ये एक्व सोल्यूशन मतलब आपने किसी चीज को डाला और वो एक्व सल्यूशन बना है सोल्यूशन विद वाटर ये पानी नहीं लिक्विड फेस नहीं है ये क्लियर है तो एक्व सोल्यूशन का आप एक्टिव मास निकाल सकते हो वहां पर मोल्स और वॉल्यूम के अंदर चेंज आता ही है ठीक है तो एक्वा सोल्यूशन ये हो जाएगा इसका एक्टिव मास किसका एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच होता है इसका फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा इसका वैक्टिव मास मोल्स बाय वॉल्यूम तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स वेट बाय मोलिकुलर वेट मोल्स निकलेंगे वेट बाय मोलिकुलर वेट तो वेट दे रखा है आपको टेन ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना होगा हमारे पास सिक्सटी ग्राम एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना बनेगा सिक्सटी ग्राम्स तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन डिवाइडेड बाय सिक्सटी इनटू वॉल्यूम दे रखी है 400 ml और पूरी सोल्यूशन की ही है इनटू 1000 तो देखो स्टूडेंट ये जीरो 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 से ये 0, और ये और तीन कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास फाइनल क्या बना 10 बाय सिक्स फोर् ट्वेंटी फोर तो 10 बाय ट्वेंटी तो हमारे पास ये उसका एक्टिव मास आ जाएगा तो याद रखना सोल्यूशन का आप एक्टिव मास निकाल सकते हो लिक्विड का नहीं निकाल सकते ठीक है तो इसको कॉपी कीजिए तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लॉ ऑफ मास एक्शन और इसको क्या बोलते हैं हम इसकी शॉर्ट फॉर्म है लोमा क्या है लोमा तो लॉ ऑफ मास एक्शन देखो स्टूडेंट्स क्या बोलता है इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर ऑफ इट सोशियोमेट्रिक देखो इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो फिर वापस हम डेफिनेशन को देखेंगे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन है अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जैसे ए प्लस बी से क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया क्या बन गया कुछ प्रोडक्ट बन गया तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है अच्छा यहाँ पर आप इसको ये लिख लीजिएगा ए ए प्लस बी बी ये भी गैशस फेस में है ये भी गैश फेस में है और ये भी गैशस फेस में है ठीक है ना ए प्लस ए ए प्लस बी बी गैस प्रोडक्ट तो स्टूडेंट्स लॉ एक्शन बोलता है कि जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एक्टिव मास किसके रिएक्टेंट के यहां पे लिखा हुआ है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसके ऊपर जो पावर है इसकी स्टोइकियोमेट्री की है क्या है इसकी पावर स्टोइकियोमेट्री तो लॉ ऑफ मास बोलता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट किसका रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो जब स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के क्या आता है के तो हम इसको बोलेंगे ये हो जाएगा भाई ए ए इंटू बी की पावर बी तो ये हमारे पास हो जाएगा रेट की रिएक्शन क्या हो जाएगी रेट विल बी इक्वल्स टू के इन ए की पावर ए बी की पावर बी क्लियर बात की नहीं है अब देखो स्टूडेंट्स ये के क्या होता है सो हेयर के इज यहाँ पर आप लिख लीजिएगा के क्या है हमारे पास एक रेट कांस्टेंट है क्या है रेट कांस्टेंट क्लियर है बात की नहीं है तो के इज रेट कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन क्लियर है बात की नहीं है अब स्टूडेंट ऐसे ही अगर मुझे अगर मुझे ये जो रेट को कंसेंट्रेशन के टर्म्स में बताना है तो रेट इन द टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ये हो जाएगा स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल आर बराबर के इन टू कंसंट्रेशन है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही बताएंगे ए की पावर ए बी की पावर बी सेम इक्वेशन के लिए मैंने रिख दी अब ऐसे ही स्टूडेंट अगर यही रेट क्या होती इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मेरे को बोली गई होती तो यही इसका फॉर्मूला क्या बन जाता आर इज इक्वल टू के हम इसी रिएक्शन के लिए लिख देते भाई पी ए प्रेशर ऑफ ए का पावर ए और इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर बी अगर मुझे किसमें रिप्रेजेंट करना पड़ता प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता तो हम रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते के इंटू पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी क्लियर बात की नहीं है सो दिस इज लॉ ऑफ जो कि बोलता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर रेट किसके प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास कौन किसका रिएक्टेंट का रेस टू द पावर ऑफ ए बात की नहीं है तो इसको कॉपी कीजिए फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको यह मैंने चार रिएक्शन दे रखी है हर एक रिएक्शन की रेट की इक्वेशन लिखनी है आपको द फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट एन टू प्लस थ्री एच टू गैस टू एन एच थ्री सारे कौन से फेस में है गैशेस फेज में है तो देखिए स्टूडेंट इसके लिए अगर रेट लिखना होगा तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास के रेट की डेफिनेशन होती है के इन टू

और फिर देखते हैं आंसर इसका इसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स आर बराबर के इन टू इसमें देखिए स्टूडेंट्स रिएक्टेंट कौन है पीसीएल फाइव सिर्फ पीसीएल फाइव है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीसीएल फाइव ही आएगा क्योंकि रिएक्टेंट वही है और इसकी स्टोईक्योमेट्रिक क्या है वन है तो यहां पर क्या हो जाएगा रेज टू द पावर ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स यहां पर ये जो रेट होगा आप खुद एक बार लिखिए इसके लिए जो रेट हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा के इन टू रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास SO3 थ्री ही है एसो तो टू और, और इसका stoichiometry क्या है Two है है बात अब अगला देखते हो देखो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा है रेट क्या हो जाएगा अब मेरे पास दो है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे हम K इन टू कैल्शियम ऑक्साइड की स्ट्रोमेट्री कितनी है वन कैल्शियम ऑक्साइड की

सी ओ टू की पावर वन यार रेट क्या हो जाएगा के इन सी ओ टू की पावर वन क्लियर है बात की नहीं है अच्छा अब वही बात आगे स्टूडेंट रेट लिखने के लिए आपके पास इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है तो कभी अगर आपके इक्वेशन मानो ये बैलेंस नहीं दे रखी होती अभी तो मैंने क्वेश्चन में दे रखी है तो आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा क्यों क्योंकि इक्वेशन के अंदर आता है रेस टू द पावर ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर तो चढ़नी है ही तो आपको इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा तो इक्वेशन बिना बैलेंस करे आप कुछ नहीं कर सकते यह बात याद रखिएगा ठीक है तो इसको कॉपी कीजिए तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द रेट क्वेश्चन फर्स्ट इज टू ए से बन गया आपके पास कोई प्रोडक्ट पी ठीक है इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड टू टाइम्स देन डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द रेट वुड बी चेंज तो मुझे बताना है कि जो नई रेट होगी वो कितने गुना चेंज हो जाएगी अगर मैं ए को दुगुना कर दू A को क्या कर दू स्टूडेंट दुगुना कर दू तो देखो स्टूडेंट अगर मैं इसके लिए रेट इक्वेशन लिखूंगा तो रेट क्या हो जाएगा के इन टू ए की पावर टू ये तो हमने मैंने इसको बोल दिया आर वन अब देखो स्टूडेंट्स आर टू में ले रहा हूं तो इसके अंदर क्या है भाई के तो ये कॉन्स्टेंट ही है अब मेरे को स्टूडेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला गया है कि इट हैज़ बिन इंक्रीज टू टाइम्स दो गुना हो गई है तो मैंने इसको ले लिया टू ए इसका स्क्वायर तो मेरे को निकालनी है कि ये वाली जो रेट है ये पुरानी रेट के कितने गुना होगी ठीक है तो देख लो स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो आर टू किसके बराबर हो जाएगा के इन टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फोर इन टू ए का स्क्वायर हम बोल सकते हैं फोर इंटू के ए का स्क्वायर यह हो गया हमारे पास आर टू अब खुद स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा के इन टू ए का स्क्वायर क्या है ए आर वन क्या है आर वन यह है आर वन तो अगर मैं इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा आर टू विल बी आर टू विल बी फोर टाइम्स ऑफ आर वन क्यों क्योंकि ये वैल्यू तो आर वन थी तो मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए को दुगना कर दू तो जो मेरी नई रेट बनेगी वो पुरानी रेट की क्या होगी चार गुना होगी क्या होगी चार गुना होगी क्लियर बात की नहीं है अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लस टू बी से क्या बन गया पी ए प्लस टू बी से हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन गया इफ द देशन ऑफ ए इज इनक्रीज टू टाइम्स मैंने ए को क्या कर दिया? कर दिया दिया दुगना और इज इज टाइम थ्री टाइम्स मतलब बी को हमने तीन गुना कम कर दिया तो मेरे को बोला है कि जो नई रेट होगी उसका क्या चेंज होगा पुरानी रेट के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए जो रेट होगा रेट की इक्वेशन क्या बनेगी के इन टू ए की पावर वन बी की पावर टू के इंटू ए की पावर वन एंड बी की पावर टू मैंने इसको बोल दिया आर वन क्या बोल दिया आर वन बोल दिया और ये हो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन क्लियर है बात की नहीं है स्टूडेंट अब मेरे को बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो ए है उसको मैंने कितने गुना कर दिया टू टाइम्स मतलब दो गुना बढ़ा दिया तो टू ए की पावर वन और बी बीन डिक्रीज थ्री टाइम्स तो ये हो गया इसका स्क्वायर तो देखो स्टूडेंट्स आर टू क्या हो गया हमारे पास देखो ये दो तो मैंने बाहर निकाल दिया और तीन का स्क्वायर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टू बाय नाइन के ए की पावर वन बी का स्क्वायर के ए की पावर वन एंड बी का स्क्वायर सो so, इस वैल्यू को यहां पर देखो के ए की पावर वन बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आर वन है तो अगर मैं यहां पर वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगा इसको तो आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी टू 9 टाइम्स ऑफ आर वन टू बाइन टाइम्स हो गया अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ए को दुगना कर दूं और बी को तीन गुना कम कर दूं तो जो मेरी नई रेट बनेगी वो टू बाय नाइन टाइम्स ही होगी पुरानी रेट की क्लियर है बात की नहीं है अब अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ए प्लस बी से क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए इज ट्रिपल अब मेरे को स्टूडेंट्स बात करी है प्रेशर के अकॉर्डिंग एंड प्रेशर ऑफ बी इज डबल प्रेशर ए तो हो गया तीन गुना और बी हो गया मेरे पास दो गुना तो मेरे से बोला है जो नई रेट है वो पुरानी रेट की कितने टाइम्स होगी तो देखते हैं भाई सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए अब मुझे रेट लिखना है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अब प्रेशर के अकॉर्डिंग मुझे बात करनी है तो ये हो जाएगा पी ए का पावर वन सॉरी uh, टू क्योंकि इसकी स्टोरी की मैट्रिक कितनी है दो और ये हो जाएगा पीबी की पावर वन क्लियर बात की नहीं है सो दिस बी आर इक्वेशन नंबर वन तो रेट हमारे पास आर वन क्या हो जाएगी के इंटू पी ए का स्क्वायर पीबी का वन अब स्टूडेंट हमारे को क्या बोला गया है कि नई रेट निकालो अगर मेरे पास पीए को क्या कर दिया गया है ट्रिपल मतलब तीन गुना कर दिया है तो थ्री इंटू पी ए का स्क्वायर और पीबी को क्या कर दिया है डबल कर दिया है तो टू इंटू पी बी का वन टू इंटू पीबी का वन तो देखियो स्टूडेंट्स यहां पर आर क्या हो जाएगा के अच्छा तीन, तीन का स्क्वायर क्या हो गया नौ नौ इंटू दो हो जाएगा मेरे पास एटीन तो यहां पर आ गया हमारे पास एटीन इंटू के इंटू पी ए का स्क्वायर PB का वन क्लियर बात की नहीं है अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा हमारे पास आर वन ही है के इंटू पी ए का स्क्वायर PB का वन अब मैं अगर वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दूंगा इधर तो हमारे पास जो नई रेट मिलेगी नई रेट विल बी एटीन टाइम्स ऑफ पुरानी रेट तो नई रेट विल बी एटीन टाइम्स ऑफ पुरानी रेट मतलब अगर हम प्रेशर पी ए को ट्रिपल कर दें और PB को डबल कर दें तो वो अट्ठारह गुना बढ़ जाती है क्लियर बात की नहीं है तो इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए